अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और सोलो मैच स्क्वाड का गेम प्ले लेकर आ चुका हूं फ्री फायर में। तो गाइस, आज पिछली वीडियो आपने बहुत सारे रिस्पॉन्स करा था, तो मैं आपके लिए एक और गेम प्ले लेकर आया हूं। आपने सक्सेसफुल देखने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम लैंड होने वाले फैक्ट्री पर। ओके भाई, फैक्ट्री पे लैंड हो चुके हैं, जंप कर दिया मैंने। अब देखते हैं भाई यहाँ पे बंदे आते हैं कि नहीं आते। आप में जो जो लोग फ्री फायर खेलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको अपनी UID दूंगा। ये अभी चिकन भुया करने के बाद फिर आप मुझे एक रिक्वेस्ट भेज देना, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर मैं आपके साथ खेलूँगा गेम, ताकि भी आपको मज़ा आए और हम एक साथ खेल पाएँ। ओके, ये मैं लैंड करके छत पर, अब बस मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और वहाँ से उठाऊँगा लूट। ओके, ये अब चला गया नीचे, बस आई हो मुझे यहाँ से अच्छी अच्छी गन्स मिल जाए ना आगे का सारा। ओ भाई साहब, लगता है लक मेरा बहुत अच्छा ही है, लेकिन इसमें स्कोप है। ओ भाई साहब, पूरा स्कोप लगा हुआ है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, अब तो हेडशॉट लगाएंगे बंदों के। बस कोई हैकर वैकर ना आ जाए गेम में, क्योंकि पिछले मैच में हैकर ही मुझे मार के गया है, इतना बुरा। मैं फैक्ट्री पर और वो भाई सब पीक से मुझे मार गए हैं। वो पीक पे था, पीक से नहीं, पीक पे था वो बंदा। ओके, अब देखते हैं अभी बंदे आए कि नहीं आए भाई। अगर इस मैच में भी हैकर कोई हुआ ना तो भाई मैं ये मैच ज़रूर अपलोड करूँगा भाई, आप में देखना कि हैकर आया था मुझे मारने, मुझे नहीं भाई इस गेम में। जो हैकर लोग होते हैं ना भाई, वो फिर सारा गेम पर कबाड़ा कर देते हैं, फिर मुझे होती है चिढ़ कोई। तो एक अच्छा बना बनाया है गेम, जब उधर उधर जाता है ना तो सामने बंदा है, लगता है इसी घर में बंदा है। सब ये इतना ख़तरनाक ना हो कि मुझे ये नज़र ही ना आए और ये मुझे निपटा भी जाए। ओके, अब देखना पड़ेगा, ये ना घर के दूसरी साइड पर है, रश कर देते अभी, किसी और बंदे को देख रहा है। अच्छी खासी लूट मिल सकती है अगर मैं इसके ऊपर रश कर दूं और मैं ये फाइट विन भी कर दूं। ये खड़ा हुआ, अभी देखना, एक इसको एक होर पड़ना, ये निपटा। मुझे पूरी गारंटी थी कि ये बहुत लोहे से निपट जाना है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा अपना एम आई किया कि आगे जाएगा या निपट जाएगा। एंड मैं आपको अपनी क्रेट दिखाता हूँ किस टाइम क्रेट बनती होती है जब मैं किसी एनिमी को किल कर देता हूँ। एंड मैं अपना फर्स्ट किल भी कर चुका हूँ भाई, बड़ी फालतू गन लेके वैसे घूम रहा था, लेकिन खैर एक और बनता स्पोर्ट हुआ मुझे। ये खाली आदि घूम रहा है और लूट की तलाश में जा रहा है, बोट है बंदा 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 बंदा, ये निपट गया निपट गया निपट गया निपट गया, ये गया। एक और बंदा निकल गया यार, कितने बंदे हैं, लगते सारे बोट ही हैं। इसको तो स्नाइपर से बताता हूँ, मेरी लूट लेके भाग रही है, मैं हेडशॉट ले तू तो। ये कोई बात होती है, वो लोड कर लो भाई जल्दी जल्दी, इधर एक और बंदा था वो कहाँ गया, वो फाइट ले रहा किसी और से। अब बड़े भाई बड़े बंदे, मुझसे को जाके फाइट लो जो मुझसे फाइट ले रहे हो, दूसरी जगह फाइट लेने निकल गया भाई। इधर खड़े खड़े चार किल किया आके भाई ने, इजी पीजी के। स्नाइपर एमो भी मिल चुकी है मुझे, होर अगर स्नाइपर एमो ना हो तो फिर ना गेम का मज़ा ना आए। स्नाइपर एमो मिल गई है ना तो बात बन गई, ऐसा कॉइन भाई 400 है मेरे पास। अब बस वो आ जाए ना जिस ड्रॉप से हम AWM बाई कर सकते हैं। वैसे तो अभी एक सिंपल ड्रॉप भी सामने गिरा है, आई होप मुझे इसके अंदर से AWM मिल जाए भाई। गैस करो इसमें कौन सी गन आ सकती है,
वो आगे पड़ा हुआ एयरड्रॉप, इसको आके लूटते हैं क्योंकि कोई भी नहीं अभी तो वहाँ पे, मुझे अभी तक तो कोई वहाँ पे नज़र तो नहीं आया, लेकिन हो भी सकते हैं। मशरूम खा लेते हैं, एनर्जी अपनी फुल रखनी है, बूस्ट भी कर किया हुआ है, लेकिन ज़रा बूस्ट और अपग्रेड रहेगा ना बंदा बंदा। यहाँ मुझे गुस्सा ना चढ़ाया करो, मुझे गुस्सा आता है ना फिर मैं 10-12 बंदे निपटाता हूँ तो इकट्ठे ही। अभी पीछे ही मैं 4 किल करके आया और ये भाई साहब मुझे होड़ा के तंग कर रहे हैं। अच्छा मार लिया, भागते क्यों फिर, मार के भाग गए और उसको किसी और ने निपटा दिया। तू बच जा, आधी हेल्थ ले गया मेरी, ये आपके सामने इसने मेरी आधी हेल्थ ली है, आप देख लो। बोटे भी आज क्या क्या काम कर, 1000 मेरे पास कोइन हो गया भाई, 1000 अब कोइन हो गया, अब तो भाई खेतना दबा के लूट करने का टाइम आ गया। ओके मेरा हेल्थ अपनी बढ़ा लेते हैं अच्छी तरह से, आगे कोई बंदे बंदे हैं ताकि मैं उनको देख लूँ फिर अच्छी तरह से। मेरा किल चोरी हुआ है वैसे, किल जो चोरी होता है ना उसका फिर अलग ही दुख होता है, किल नहीं मेरा चोरी होना चाहिए था, लेकिन खैर अब तो मेरा किल चोरी हो भी गया, क्या कर सकते हैं, बस AWM चाहिए, सारा दुख भूल जाऊंगा। जब तक AWM नहीं ना मिलेगी दुख ही दुख, क्योंकि जब AWM का हेडशॉट पड़ता है ना बंदे को, ओए होए होए मज़ा ही आ जाता है, लेकिन जब अपने हेडशॉट पड़ता है ना फिर उतना ही रोना भी आ जाता है क्या नहीं भाई, बताना कमेंट में जाकर। मैं ओके अगले एयरड्रॉप पे आ गया हूँ, बंदे यहाँ पे अच्छे खासे निपटे हुए हैं, कोई ना कोई तो आया जो कि इनकी पेटी बना के चला गया, गया नहीं है यहीं पर हो भी सकता है, लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा भाई। अब मेरी ख़तरनाक फाइट होने वाली है भाई, आपने इस फाइट को मिस नहीं करना। एक बंदा मुक गया, अब इसको मैं मुकाऊंगा। यार शिट, एक तो इसके पास से निकल गई मेरी गाड़ी, घुमा के चलते हैं। यार ये काम बड़ा गलत है, किधर है, इधर इधर इधर, गुड है। ओके ये गुड था, एमओ जो लेट हो भाई भागना, पर एमओ ख़त्म हो गई है UMP-45 की। ओके इधर एयर ड्रॉप गिरा, अब एयर ड्रॉप पर चलते हैं जल्दी जल्दी, क्या पता अभी, अब इसमें गैस करो कौन सी गन आने वाली है, गैस करो तुक्का लगाओ जल्दी जल्दी। ओके इसी में वही गन आई है, और इधर आपके भाई के कितने किल हो गए हैं, 6 किल कर चुका हूँ मैं। ओके बंदे सामने ना धड़े इधर भाग रहे हैं, किल निकालने में लगे हैं। या हटो यार हटो, क्या सारा काम खराब बिगाड़ दिया। अब भाई किल निकालने का टाइम, मौका बड़ा अच्छा है, हेड मार सकते हैं, मैं नहीं पड़ जाऊंगा इस तरह, हर तरफ जब बंदे आ जाए ना। ये मुझे मारने का आज तुला हुआ है, ये मुझे डैमेज दे ख़त्म कर सकता था, लेकिन भी आपके भाई ने बचत करवा ली अपनी। अपने सामने बंदे ज़्यादा सारे हैं तो मुझे अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़नी है, वरना मेरा नहीं पढ़ना मुकम्मल तौर पर लिख दिया गया, क्योंकि ये बंदे मुझे छोड़ने वाले हैं कहीं से, लगता ही मुझे छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि ये जो जगह है ना ये हिल है, यहाँ से मैं सही नीचे के एंगल ले लेके ना बंदे मार सकता हूँ, अगर यहाँ कई बंदे ना हो तो। ये तो ऊपर वाले मुझे वाले निपटाएंगे, फिर नीचे वालों को और निपटाएंगे जाकर, क्योंकि यहाँ पे क्रेट बना हुआ, इसका मतलब बंदे यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो सब कॉन्सनट्रेट करने की देर है, मैं इनको मार दूंगा। भाई बंदा सामने है, मुझे मार रहा है कहीं ना कहीं से, तो अब देखते हैं कहाँ पर है ये बंदा, मुझे लगता है नहीं सही यहाँ पे कवर लिया हुआ है।
मैंने इसको ये रहा ये रहा ये रहा जंप पे लगा लो आखिर इसको मारते ऐसे। ये बात होती है एक प्रो प्लेयर की, कितने रह गए भी, अभी 8 प्लेयर अलाइव हैं, इसका मतलब 8 प्लेयर्स में से ना अब मुझे या तो मुझे कोई मार देगा या मैं किसी ना किसी को मार दूंगा। अच्छा जी तो अब देखते हैं कि मुझे कौन मारता है या मैं किसको मारता हूँ। मुझे अपनी गाड़ी लेके आ जाए कि पैदल चला जाऊँ, नहीं गाड़ी होगी तो गया सेफ रहूँगा मैं, गाड़ी के बगैर तो मसला ही मसला है फिर। ओके रश कर देता हूँ गाड़ी लेकर आगे। बंदा 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 यहाँ पर भी बंदा है और अब मेरी तरफ ही आ रहा है, बैट निकाल के भाई आ रहे हैं मेरी तरफ, लगता है बैट से मारने की तैयारी है। 370 का डैमेज हो तो भाई ऐसा डैमेज हो जो फिर लगे पता बंदे को। ओके सामने दो और प्लेयर आपस में फाइट कर रहे हैं, मुझे भी कोई मारने में लगा हुआ है लेकिन मैं अभी इसको इग्नोर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी जान भी ले सकता है। जल्दी स्कोप खुल ताकि हेडशॉट दूंगा मैं, हेडशॉट। अबे अब किसी और से लड़के मरना चाहिए और रश करना पड़ेगा। ओके आपके भाई के 12 किल हो चुके हैं, अब जो आखिरी बंदा है ना उसको तो मैंने हेडशॉट ही देना है और ये वो भी सामने ही है। ओए 5 बंदे हैं अभी, मुझे फिर कैसे लगा कि सिर्फ 2 बंदे हैं। अब जो है ना रश करने की टाइम है, रश ना किया तो फिर कुछ हो सकता है भाई, खतरे की बात है। अब इसके ऊपर चाहिए गाड़ी, ऐसे यार लेकिन सही नहीं रहने की, काम गलत हो गया, देखते हैं बंदा मार चुका है। अब सही में भाई 1v1 की फाइट रह गई है एंड अगर मैंने ये फाइट विन कर ली, सामने बंदा सामने है भाई, मुझे जल्दी से अपने आप को रिपेयर करना होगा। अगर वो प्रो हुआ तो मैं तो इधर निपटने के फुल 100% चांसेस हो जाएंगे, सामने ही है। नेट करवा दिया मैंने उसके, अबे मेरे ऊपर रश कर रहा है, इसने तो मालूम बोट ही है, और नहीं नहीं बोट को हल्का लिया फिर मैं ही नहीं पड़ जाऊँगा। तो यहाँ पे भाई आपके भाई ने भूया कर लिया है एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना। अभी आप ये सब देख सकते हो भाई 14 किल किए मैंने, डैमेज सर्वाइव है मैंने हेल्थ भाई, आप सब कुछ कंपेयर करो भाई आपकी कैसा खेलते हो और मैं कैसा खेलता हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जाकर जरूर बताना एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, मैं अपना फेस रिवील भी करूँगा एंड मेरे फिर व्लॉग्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।